दोस्तों आज 26 जनवरी है और गुल्ली बुली और सोन 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। सोन तो अपने घर के छत पर झंडा लगा रहा है और गुल्ली बुली अपने घर के बाहर लाइट्स लगा रहे हैं, लेकिन आखिरकार घर के अंदर कौन झांक रहा है? अरे ये तो रॉड है, और आखिरकार रॉड यहाँ पर क्या कर रहा है? और रॉड तो अपने साथ बहुत बड़ा पटाखा लेकर आया है। लगता है कि रॉड के दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा है। तभी रॉड पटाखे को जलाकर गुल्ली बुल्ली के घर में फेंक देता है। गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं कि आखिरकार हमारे घर पर मिसाइल किसने छोड़ दिया है। गुल्ली बोलता है, ये मिसाइल छोड़ने वाला जरूर कोई आतंकवादी होगा। बुल्ली बोलता है, लेकिन आखिरकार हमारे घर पर कौन आतंकवादी हमला करेगा? गुल्ली बोलता, उधर देखो बुल्ली, वहाँ पर कोई छुपा हुआ है, ये जरूर वही आतंकवादी होगा जिसने हमारे घर पर मिसाइल छोड़ा है। गुल्ली बोलता, रुको अभी मैं इसे बताता हूँ कि आखिरकार इसने किसके साथ पंगा लिया है। गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठा लेता है और गुल्ली के पीछे पीछे चला जाता है। और इधर रॉड घर में इतना बड़ा पटाखा फोड़कर काफी खुश हो रहा है, लेकिन शायद रॉड को पता नहीं है कि इसकी हंसी अब चीख में बदलने वाली है। तभी गुल्ली बुली रॉड पर पीछे से हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी के साथ मारने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, तुमने आखिरकार मेरे घर पर मिसाइल छोड़ने की हिम्मत कैसे की? आज तुम्हारे कारण मेरा दोस्त सोन मर चुका है। बुल्ली बोलता, बस करो गुल्ली, इसे मारना बंद करो, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली बोलता, ये तो रॉड है। गुल्ली बोलता, रॉड ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम हमारे दोस्त होकर हमारे घर पर मिसाइल छोड़ दिया। रॉड बोलता है, मैंने तुम्हारे घर पर कोई भी मिसाइल नहीं छोड़ा है, मैं तो बस तुम्हारे घर के अंदर पटाखा फोड़कर तुम लोगों से मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मजाक तो मुझे काफी महंगा पड़ गया। बुल्ली बोलता, चलो उधर सोन हमारा छत से गिरकर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, हम लोग को उसको उठाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली रॉड सोन के पास चले जाते हैं। गुल्ली बुली सोन को काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन सोन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर तभी रॉड को डरता देख सारे लोग हंसने लगते हैं। सोन उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता, रॉड मैंने तुम्हें छत से पहले ही देख लिया था कि तुम हमारे घर में पटाखे फोड़कर मजाक करने वाले हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी मजाक किया जाए। रॉड बोलता, आज तुम लोग ने तो मेरी जान ही निकाल दी। गुल्ली बोलता, रॉड अच्छा चलो बताओ तुम्हें यहाँ आना कैसे हुआ? रॉड बोलता, गुल्ली तुम्हें पता नहीं है, बाबा बाजार के बीचों बीच झंडा फहराने वाले हैं और मुफ्त की जलेबियाँ बांटने वाले हैं। मुफ्त की जलेबी का नाम सुनकर गुल्ली बुली सोन के चेहरे पर बहुत बढ़िया स्माइल आ जाती है। बुल्ली बोलता, रॉड अगर तुम्हारी ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी खोपड़ी में कट्टा ठोक दूंगा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं पहले माफिया डॉन था। रॉड बोलता, बुल्ली तुम ये सामान अंदर रखो, मैं पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। बुल्ली बोलता, रॉड तुम सच में डरपोक हो, ये तो सिर्फ दिवाली वाली बंदूक है, अब तुम जल्दी बताओ कि बाबा कहाँ पर झंडा फहराकर जलेबियाँ बांटने वाले हैं। बाबा बाजार के बीचों बीच झंडा फहराकर जलेबियाँ बांटने वाले हैं और उन्होंने ही बोला है गुल्ली बुली सोन को बुला कर लेकर आओ। ये सुनते ही गुल्ली बुली सोन बाजार की तरफ दौड़ लगा देते हैं। आक्रमण, भंडारा होगा, भंडारा भंडारा। रॉड बोलता, अगर ये लोग भूखकर मुझसे पहले बाजार में पहुंच गए तो फिर ये लोग सारी जलेबियाँ मेरे पहुंचने के पहले ही खत्म कर देंगे, तो आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे गुल्ली बुली सोन से पहले पहुँचना होगा, मैं भी आ रहा हूँ मेरे लिए रुको। और फिर गुल्ली बुली सोन और रॉड थोड़ी ही देर में बाजार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गुल्ली बोलता, आखिरकार बाबा कहाँ गए? सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे। गुल्ली बोलता, रॉड कहीं तुमने हम लोगों से झूठ तो नहीं बोला है कि बाबा मुफ्त की जलेबियाँ बांट रहे हैं? रॉड बोलता, नहीं बुल्ली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाबा सच में मुफ्त की जलेबियाँ बांटने वाले थे, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। सोन बोलता, बाबा कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जलेबियाँ रखी हुई है। जलेबी का नाम सुनते ही गुल्ली बुली रॉड लपक कर जलेबी खाने के लिए जाते हैं और सोन को धक्का मार कर गिरा देते हैं। सोन बोलता, तुम लोग आराम से खाओ, तुम लोग जानवर के जैसा क्यों खा रहे हो? सोन उठता है और बोलता, चलो अब मुझे भी खाने दो। Oh, no. अरे ये क्या, गुल्ली बुली रॉड ने तो सारी जलेबी अकेले ही खा ली है। सोन ये देख कर रोने लगता है। सोन को रोता देख गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता, ये देखो सोन लड़की के जैसा रो रहा है। गुल्ली की बात सुनकर सोन को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और फिर क्या था, दोनों में मारामारी चालू हो जाता है। तभी पीछे से बाबा आ जाते हैं।
बाबा को देखकर गुल्ली बुली सोन और रॉड लाइन में खड़े हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं, ये डर मुझे अच्छा लगा। और फिर बाबा जिलेबी के डब्बे में देखते हैं तो वहाँ पर एक भी जिलेबी नहीं होता। ये देखकर बाबा का दिमाग खराब हो जाता है। बाबा बोलते हैं, ये जिलेबी तुम लोगों में से जिसने भी खाई है वो आगे आ जाए। तुझे मरने की जल्दी, तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। और फिर बाबा धीरे धीरे डंडा लेकर सोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बाबा पर कोई जानलेवा हमला करता है। बुड्ढा गया। ग्रैनी जाओ, इन चारों को लेकर आओ। आज जिलेबी की जगह इन चारों को ही खाया जाएगा। रुक जाओ ग्रैंडपा, पहले इस बुड्ढे को ठिकाने लगाने दो। और फिर ग्रैनी बाबा के पास जाने लगती है। लगता है कि ग्रैनी की इरादे अच्छे नहीं है। गुल्ली बोलता, बुल्ली देखो ये लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा रॉकेट भी लेकर आए हैं। लगता है कि ये लोग इस रॉकेट से हमारे देश को उड़ाना चाहते हैं। और अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम लोग अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। गुल्ली बोलता है, मेरे होते हुए बाबा को कुछ भी नहीं हो सकता। गुल्ली बोलता, आखिरकार तुम करने क्या वाले हो? और गुल्ली कितना बोलते ही बुल्ली दौड़ लगा देता है और ग्रैनी को जोरदार लात मारता है। जिससे कि ग्रैनी जमीन पर गिर जाती है। और फिर क्या था, सारे लोग ग्रैनी के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा का दिमाग हिल जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ग्रैनी को छोड़ दो, अगर ग्रैनी को कुछ हो गया तो मैं इस रिमोट बटन दबा कर तुम्हारे देश को उड़ा दूंगा। सारे लोग रुक जाते हैं, लेकिन ये लोगों ने तो ग्रैनी का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अरे बाप रे बाप, बचाओ रे ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलते, ग्रैनी तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं इन लोगों का कैसा हाल करता हूँ। तभी सोन बोलता है, बाबा कहाँ है? ग्रैंडपा ये देखकर डर जाते हैं कि अचानक बाबा कहाँ चले गए। और फिर तभी और फिर बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा को उसी रॉकेट में बांध देते हैं जिस रॉकेट से ग्रैंडपा हमारे देश पर हमला करने वाले थे। और बाबा जैसे ही रिमोट से बटन दबाते हैं वो रॉकेट सीधा आसमान में चला जाता है। और इधर सारे लोग झंडा को फहराकर काफी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन आखिरकार ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ है? अरे ग्रैनी, ये हम लोग कहाँ गए? अरे बुड्ढे, हम लोग चांद के ऊपर हैं। ग्रैनी उधर देखो, बहुत सारे एलियन तो इधर ही आ रहे हैं। मर रहा लाइकन, मर रहा, ओ छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्हें मैंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।